तो हे हाय हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, प्रियांशु है और आप देख रहे हैं नोबिता ब्लॉग्स। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल देख लो मैं इको पार्क के गेट नंबर 2 के पास हूँ और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का नया रूल सुन लो गाइस। आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे गाड़ी अगर आप 1 घंटा पार्क करते हो तो आपको 10 रुपये लेंगे। 1 घंटे के बाद जितने घंटे एक्स्ट्रा लोगे प्रति घंटा 10 रुपये लगेगा। ये नया नियम कोई लागू हो गया। और बोल रहे हैं लोग शायद पर्ची काट के देंगे या नहीं काट के देंगे, ये पूछते हैं उनसे। आइए पर्ची काटते हैं। ये भैया रहेंगे यहाँ पे, देख सकते हो आप। ओ भैया काट दीजिए काट दीजिए काट दीजिए, चलिए काट दीजिए। तो यहाँ पे नया नियम कहाँ से लागू होगा इस मुझे खुद नहीं पता, पर नियम लागू हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। 10 रुपये प्रति घंटे के अनुसार से लगेगा। आ जाओ गाइज, आपको पूरा डिटेल समझाते हैं क्या है क्या नहीं। आने दो उनको, उनको गियर में देते हैं। यहाँ पे हमको एक न्यूज़ रिपोर्टर की याद आ रही है, मनीष कश्यप, क्या चैनल था उनका, सच तक न्यूज, उनकी बड़ी याद आ रही है। और लाई पलाई अच्छे से करते हैं इन लोग की, लेकिन छोड़ो। हम लोग सहन करके रह लेते हैं @ सच तक न्यूज। अरे काटा हो, लेट होते हैं, काट दे। तो गाइज ये नया नियम कुछ लागू हो गया यहाँ पे, और जरूर ध्यान देना। ये भैया यहाँ के गार्डन है, देख सकते हो आप, गेट नंबर 2 के पास। ये 2 गाड़ी का 1 घंटे 20 रुपये की 10 रुपये, 10 रुपये में 2 घंटा, उसके बाद 2 घंटा के बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तो प्रति घंटा 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सो गाइस मैंने GoPro चार्ज करना अपना भूल गया, कोई बात नहीं, बंद हो तो देखो। नहीं है, छोड़ो ना, कैमरा से बना लेते हैं। ये स्कैनर में है, पर स्कैन कीजिए अभी। अभी किए हम स्कैन, देखिए अब भुला गया था। देखिए वो पे हम भी स्कैन किए, स्कैन किए, देखिए 45 मिनट भी अभी होगा। ये खुद दसे बता देगा, अभी दसे बता देगा, अभी दसे ना बता देगा जी। यहाँ टाइम लिखाता है टोटल 47, इसमें टाइम नहीं लिखाता है पुर्जी में, सब में टाइम लिखाता है, मैं लिखा गया एक बात के बावजूद। काटिए मेरा दो, काटिए मेरा दो, काटिए। भुला गया था पुर्जी, गिर गया तो हम लोग भी भाग गए इधर से। नहीं मैंने कहा ना, मर गया आदमी तो क्या होगा, 38 सजाया जाएगा, जलाया जाएगा उसको, आपका मर गया आदमी था उससे। अरे वो मेरा काम है भैया, इसी के लिए तो मैं भी किया, मेरा काम है लोगों को बताना, मेरा काम है कि यहाँ पे ये लगेगा उससे क्या, वो मेरा काम है, हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं आपसे। हम आपका एक बार फेस लियो तो बता दीजिए, आप देख लीजिए मेरा रिकॉर्डिंग, आपका आधा ले रहे हो, तो मेरा काम है बताने की हमें 20 रुपया चार्ज लगेगा प्लस वो लगेगा, ये मेरा काम, हम अपना काम कर रहे हैं इसी। नहीं नहीं आपका आधा किए हैं, फेस कहीं नहीं लिए, फिर वो ये बात कर रहे हैं, फेस लेवे नहीं किया आपका, काटिए काटिए। बस हवा निकल गई। सो गाइस देख सकते हो आप, 2 टिकट हमें मिल चुकी है। वो भैया जो है ना, देख लो उनको दिखाते हैं, ये देखो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मत कीजिए भैया, वायरल हो जाएगा। हम बोले हम है तो बचू गए, मनीष कैसे बढ़ते तो अच्छा से लड़ाई करते, तो कह रहे कि मनीष कैसे तो डेली हम मेरा उठना बैठना रहता है। बोले ठीक है करिए उठना बैठना, मेरा क्या है। चलो भाई साझा काउंटर के पास आ चुके हैं, यहाँ देख लो टिकट रूल प्रति व्यक्ति 20 रुपया, और कोई कैमरा ले जाने का मैं भी चार्जेस वर्ज नहीं है। तो वैसे देख सकते हो आप टिकट मिल चुकी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। और एक और बात आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। गिम्बल है मेरे पास, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट गाइस एक्सेप्टेबल नहीं है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आओगे तो उस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्या। सो गाइस देख सकते हो आप, हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कैमरा का 100 रुपया चार्ज है, पर कैमरा उड़ा बोले कि नहीं है, कोई बात नहीं। ये कैमरा इतनी सही से ऐसे भी डेड हो चुका है, इसका कोई काम ही नहीं, इसका पैसा मैं क्यों पे करूँ भाई, सही बात है कि नहीं कैसे ये बताओ। जब मैं रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसका पैसा क्यों 100 रुपये पे करूँ। नहीं है कैमरा भाई, बोल दिया कैमरा नहीं है भैया, इसी पकड़ने वाला है बस खत्म, क्या घोड़ा कैमरा नहीं है। तो आ चुके हम लोग इको पार्क में, देख सकते हो आप लोग, अभी वो लोग बाहर से कुछ रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग कर रहा है, उसके बाद लोग आने वाला है, तो चलो गाइस आ जाओ। सो हे गाइस, आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि डायरेक्ट मैं यहाँ इको पार्क क्यों और कैसे पहुँच गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे हम लोग आए हैं प्रैंक वीडियो शूट करने, जो कि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, थोड़ी देर बाद भीड़ होगी, तो एक मस्त प्रैंक वीडियो शूट होने वाला अपने यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो ज़रूर देखना और उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। फिलहाल तो ये ब्लॉग टाइप में बना रहा हूँ, मस्त प्रैंक वीडियो होने वाला, क्या गोरख मजा आने वाला है, कैमरा मैन गोरख रहेगा और वीडियो जरूर देखना। वो जिस चैनल पर भी अपलोड होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, मस्त एक प्रैंक वीडियो, पहली बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे,
तो देख लो कुछ इको पार्क का व्यू यहाँ पे ऐसा देख सकते हो आप लोग। ओहो क्या कर रहे हो ब्रो, गलत बात ब्रो, ब्रो क्या कर रहे हो ब्रो, एक्सक्यूज मी ब्रो, हंस ब्रो, गलत बात ब्रो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं करते ब्रो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है ब्रो, ब्रो ब्रो छोड़ दो उसको ब्रो, ब्रो छोड़ दो ब्रो, ब्रो ब्रो छोड़ दो, ब्रो छोड़ दो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। हाँ गुड ब्रो, गुड गुड गुड। सो गाइस अपने प्रैंक के आज मेन एक्टर ये दोनों रहने वाले हैं, ये दीपक देख सकते हो आप, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये इतना चीटर लड़का ना कैमरा ले घुस गया, बोला है कैमरा नहीं है साला आरामी। और ये लड़का को देख सकते हो आप लोग, ये मेन एक्टर है हम लोग के साथ। चलो गाइस हाँ मेन कैरेक्टर रोल प्ले ये करने वाला है, कैमरा मैन अपना ये रहा देख सकते हो आप। और ये पता नहीं एक मस्त प्रैंक शूट होने वाला है, कैमरा मैन राहुल त्रिपाठी। सो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे डेट्स दिख रहे हैं आपको, डेट्स बोले तो खजूर है और अमर की कंट्रोल डॉट 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 कंट्रोल कंट्रोल अमर हम कुछ नहीं बोले कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो यहाँ पे सोच रहे बोटिंग वोटिंग करने के लिए, तब तक समय बर्बाद करने के लिए अभी थोड़ा ठंडा होने का समय वेट करते हैं गाइस। गाइस यहाँ पानी वानी पीने का भी व्यवस्था है बस। गाइस देखो हमारी डॉल्फिन कैसे डेड होती है, देखो बेचारे डॉल्फिन के पेट में इतना सारा कचरा हुआ था, डॉल्फिन तो डेड होगी ना। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्लास्टिक का बना हुआ एक डस्टबिन डॉल्फिन का शेप देके इसमें बोतल वोटल डाल सकते हो, देख सकते हो आप। बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया पार्क की तरफ से, मस्त प्यारा सा। और सामने बोटिंग का पूरा एरिया है, मैम को कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना। सो गाइस यहाँ पे लोग रील्स बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपको पार्क के बारे में अच्छे डिटेल समझाएंगे। अभी तो वीडियो मुश्किल से 2-2.5 मिनट का ही हुआ होगा तो इग्नोर करो, बाकी आराम से पार्क के बारे में समझाएंगे। पहले कुछ कुछ जो मेन पॉइंट होता है वो आपको बता दूं। ये अंदर गुफा है, जब मैं अभी अराउंड 6-7 साल पहले इको पार्क आया था, इसके अंदर इतना शोर होता था ना, इतना शोर, मतलब कपल लोग हम लोग देख लेते थे बस करना शुरू हो जाता। हाँ एक्सीडेंट से पहले हम आए थे यहाँ पे, स्कूल की तरफ से स्टार्ट था। हम गोरखा ही आए थे, हम गोरखा मरवाई लोग ही आए थे बस। सो गाइस रील्स बनाने का काम शुरू हो चुका है, देख सकते हो आप रीलर्स को, इंस्टाग्राम रीलर्स को कोई रोस्ट वोस्ट बनाएगा इन लोगों पे, कोई रोस्टिंग चैनल खोलो हम लोग में। क्या कर रहे हो यार, देखो ऐसे से रीलर्स लोग खड़े जिंदा है, बताओ बताओ ऐसे से रीलर्स लोग आप लोग के रहते हुए जिंदा है। मुंह काला हो कम से कम, फिल्टर वाला कम यूज कर, नाम हम सब हो जितो क्या तो कपड़े उतार के कनॉट प्लेस में नंगा नाचूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार। गाइस ये लोग एक टेक लेने में कम से कम 5-6 शॉट ले रहे हैं यार, पसीना पसीना हो गया देख रहे हो। अपना कैस्ट्रो एनी से तरफ जो नकला 20 रुपए बर्बाद कर ना रे रे कैसे, नहीं नहीं मजाक नहीं मजाक 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 जा 20 रुपए दे के 20 रुपए दे के। सो है गाइस बहुत समय के बाद हम लोग का रील शूट कंप्लीट हुआ, अब जा रहे हम लोग वो शूट के लिए, तो चलो एंजॉय करो ब्लॉग। काली काली छी 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 तवा तवा सारा मूड खराब कर दिया। लॉल। सो गाइस ये अपना सुपरस्टार जो करता नहीं हमसे प्यार। चलो गाइस चलते हैं अंदर गुफा में। देख सकते हो आप इको पार्क का एक वे है, जैसे बीच में रोड है तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए इसको बनाया गया, देख सकते हो आप लोग। सो गाइस ये देख सकते हो आप गौतम बुद्ध का जीवन चक्र, ये समथिंग लाइक कुछ गौतम बुद्ध का जीवन चक्र के ऊपर बनाया गया है। बगल से मस्त वाली छोड़ी आ रही है, देखना ध्यान से एकदम, ओहो क्या ही लग रही है, लेकिन लंगूर के हाथ में अंगूर है। देख सकते हो आप उनके जीवन चक्र के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पे दिखाया गया, जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ का ज्ञान साधना ज्ञान प्राप्ति है, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने पर्वतों एवं गुफाओं में ज्ञान की साधना की। और वो एक और ब्लॉगर अपने साथ देख सकते हो आप, तो चलो गाइस हम लोग चलते इधर। विक्की जल्दी आओ, सुकून का नाम सुना है। आए हाय ओ यार
यार ये कितनी औसम है यार। सो गाइस देख सकते हो आप हम लोग अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं। चल दोनों तो सेम था। ओए होए 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 अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। रोड के नीचे नीचे हम लोग आ रहे हैं गाइस देख सकते हो ये रोड रहा अपना। गाइस ये देख सकते हो आप महावीर का जीवन चक्र तीर्थ कर महावीर का जीवन चक्र है ये और ये इधर से जा रहा है। पर हमारे लीड रोल के एक्टर क्या बोला जाता है लीड LEAD लीड रोल ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। जो प्ले करने वाले दीपक को जा रहे सीधे तो हम भी सीधे जाएंगे। गाइस यहाँ से निकलते ही देख लो कुछ इस प्रकार का सीन है। एक छोटा सा फाउंटेन दिया हुआ है कुछ देख लो गार्डन वार्डन टाइप में बाकी कुछ खास स्पेशल तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो हे गाइस अभी तक हम लोग का स्पॉट ही लोकेशन नहीं मतलब लोकेशन ही स्पॉट नहीं हुआ है कहाँ हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कहाँ नहीं बनाने वाले हैं पता नहीं है हम लोग का कहाँ घुमा रहा है हम लोग का लीड रोल वाला एक्टर बस घुमा ही जा रहा है तब से घुमा ही जा रहा है। फिर घूमते घूमते पानी के पास आ चुके हम लोग देख सकते हो आप लोग। हमको बोटिंग करने का इच्छा है ब्लॉग के लिए पता नहीं कर जल्दी कम्प्लीट कर यहाँ से भी करना है। सो हे गाइस तो अभी तक हम लोग को मतलब कोई लोकेशन स्पॉट नहीं हो रहा है कहाँ पे हम लोग वीडियो बनाने वाले कहाँ वीडियो नहीं बनाने वाले पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक प्रैंक कम से कम 8 से 10 मिनट का शूट होने वाला है उसके लिए अभी तक हम लोग को लोकेशन ही नहीं पता क्योंकि भीड़ ही नहीं आ रहा है एकदम सन्नाटा सन्नाटा किसको ले कपल लोग इन लोगों को डिस्टर्ब करने में अच्छा भी नहीं लगेगा। कोई कैडबरी फाइव दूसरा खाना मत खाना मत कोई कैडबरी डायरी मिल्क 5 स्टार पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया कौन कौन यहाँ बैठा हुआ कपल टपल छोड़ो यहाँ पे ब्रेकअप हुआ होगा। हाँ भाई ये लड़का का गिफ्ट होगा ये लड़की का गिफ्ट होगा लड़की बड़का गिफ्ट दिया लड़का छोटा गिफ्ट दिया इसलिए दोनों एक दूसरे का गिफ्ट रख के ब्रेकअप करके चला गया है देख सकते हो आप लोग। देखो दोनों का ब्रेकअप हो चुका है एक गिफ्ट इधर रखा हुआ है एक गिफ्ट इधर रखा हुआ है। साला न खाएंगे न कोई को खाने देंगे रुको साले को बताते हैं। रैपर ऊपर सब है माँ क्या पूरा यहाँ पे सुहागरात ही मना लो पकड़ तो पकड़ तो जो खुलते गैस स्टोव डाल इसमें साला माँ का भरोसा साला गर्लफ्रेंड बनाएंगे हम यहाँ सिंगल मर रहे हैं इन लोगों को गर्लफ्रेंड बनाना है बोल। सो आखिरकार गाइस हम लोग हिम्मत करके आ चुके हैं ब्लॉग्स मतलब शूट करने के लिए और अभी कौन लोग अरे तुम लोग इधर क्या आ रहे हो रे अरे इसको समझाओ भाई कैमरामैन छुप गया उसे बनाओ ना वीडियो नॉर्मल वीडियो। सो गाइस अपना टारगेट आ चुका है चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ फट गया चप्पल अगर छूट जाए तो टूट नहीं सकती चप्पल अगर टूट जाए तो छूट नहीं सकती पापा की बढ़िया मोटी हो जाए तो उड़ नहीं सकती वाह 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 छोड़ना यार रखना तू रखना नहीं यूज कर तू रख बैग में और तू बैग में रखना फिर वही बात तू बैग में रख तो खाली चुपचाप कैमरा बैग में रख ज्यादा पैसा वही लोग का रखना मत यूज कर फोन से बनाओ रख बैग में चुपचाप हम पागल चल फोन से बनाओ चुपचाप बोर्ड चिपकाने के लिए बोल दो बाहर एकदम मेन गेट पे कैमरा अलाउ नहीं है क्या नहीं दिखा है तो आप अपने गार्ड को बोलिए कि चेक करके अंदर डालने के लिए अपने गार्ड को बोलिए क्या समझे नहीं समझेंगे आप बस कर रहे हैं हम बस नहीं कर रहे हैं एकदम कर रहे हैं आप तो बाहर आप अपने गार्ड को बोलिए ना चेक करके अंदर भेजे बिना चेक करने का अंदर भेज देता है ना अपने गार्ड को बोले चेक करके भेजे कोई क्या बैठा देते मुंह उठा के कैसे घुस जाता है। अरे तो भाई बाहर पहले अंदर बाहर बताइएगा तब तो अरे फाइन है तो बाहर चेक कीजिए ना अब कोई एयरपोर्ट पे बम लेके घुस जाएगा मतलब क्या जो पायलट की गलती रहेगा क्या गार्ड चेक कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जाओ कैमरा लेके जाना है काजल तुम मुझे प्लीज छोड़ कर मत जाना
मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप को पैसों से। वाह वाह वाह, क्या बोला तूने? ये भी ठीक था लेकिन मजा नहीं आया। हे गाइस, तो ये शायरी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी। हाँ वाह, ये भी ठीक है साला, बेइज्जत करवा लिया। अच्छे साला इससे बेइज्जत हो गया भाई, बेइज्जत हो गया सब। बिना बोलने अच्छा रिएक्शन आया। सो गाइस, इस लड़का से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एक टेक लिया उसके चले, चार घंटे मेरा बर्बाद कर दिया। सो गाइस, रिएक्शन मिल ही नहीं पा रहा इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। गाड़ी साइड लगाई था, एक गाड़ी के चाबी लगा रख। ये यहाँ का एग्जिट द्वारा गाइस, देख सकते हो आप, यहाँ से निकल रहे अभी हम लोग। सो हे गाइस, देख सकते हो आप, 20 रुपये गन्ने का जूस पे रहे हम लोग यहाँ पे, जस्ट चिड़ियाखाना के पास में। अगर यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाकर पियोगे तो जूस आपको 10 रुपये मिलेगा, पर यहाँ पियोगे तो आपको 20 रुपये मिलेगी, पटना जू के जस्ट सामने। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ जहाँ रुकूँगा वहीं का रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, बाकी देखते हैं। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। सो हे गाइस, आ गए दुकान पे, देख सकते हो आप लोग, अपने शॉप पे आ चुके हैं। सो हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम अपने शॉप पे आ चुके हैं, ड्राइव कर रहे थे इसलिए बीच में जो भी क्लिप था वो गोरख लिया था, बाकी सारे क्लिप्स तो आप देखेंगे जो मैंने खुद से बनाया था। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, गेट लॉस्ट। सो गाइस, आई नो डैट कि आप लोग अभी सिलीगुड़ी ब्लॉग के पार्ट 2 का वेट कर रहे हो और मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दिया उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि अभी सिलीगुड़ी वाले ब्लॉग में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ऑलमोस्ट 1-2 दिन और जाएगा ये ब्लॉग में, मतलब 100-150 व्यू जाते जाते वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो गाइस, ये वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। एडिटिंग देखो सीख रहा हूँ, मेहनत से कितना अच्छा एडिटिंग किया हूँ, एक लाइक बने ना बने एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है गाइस। कुछ तरीका है भीख मांगने का? चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, दफा हो जाओ तब तक के लिए।